नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अजीत पवार के बयान के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस मामले पर कहा कि अजीत पवार की टिप्पणी से साफ हो गया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना बस्ता बांध लेने को कह दिया है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार ने जो कहा है उसका साफ मतलब यही है कि एकनाथ शिंदे को और उनके गुट को अपना बस्ता बांधने को कह दिया गया है। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे अचानक से लो प्रोफाइल बने हुए हैं और दबी जुबान से भाजपा द्वारा अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद की पेशकश किए जाने की अटकलों के बारे में बोल रहे हैं। राउत ने कहा कि अगर अजीत पवार मुख्यमंत्री पद पर दावा करते हैं तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम किसी को भी उनकी महत्वाकांक्षाओं से नहीं रोक सकते, उन्हें अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए 2024 का इंतजार करने की बजाय अभी दावा कर सकती है। सकल मीडिया ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बारे में जून 2022 में शिवसेना तोड़ने से पहले ही सुन चुके थे। साथ ही मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी अजीत पवार ने सहमति जताई और कहा कि हाँ, मैं 100% बनना चाहूंगा। इसके साथ साथ 2004 में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को लेकर भी अजीत पवार ने सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, हमें 71 सीटें मिली जबकि कांग्रेस ने 69 सीटें जीती। कांग्रेस सहित सभी ने सोचा कि मुख्यमंत्री एनसीपी से होगा, हालांकि कुछ निर्णय उच्चतम स्तर पर लिए गए और दिल्ली से एक संदेश आया कि एनसीपी को उपमुख्यमंत्री का पद मिलेगा और मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस के पास जाएगा। पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा बुलाए जाने के एक दिन बाद आज जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने उन खबरों का दृढ़ता से खंडन किया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक बयान जारी कर कहा कि वे अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आए थे। सूत्रों की माने तो मलिक के घर के पास एक पार्क में आयोजित बैठक पर पुलिस द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद मलिक पुलिस थाने गए थे। इस मामले पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई बैठक करने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही पुलिस ने ये भी कहा कि हमने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को हिरासत में नहीं लिया है। वे अपने समर्थकों के साथ आरकेपुरम पुलिस स्टेशन में अपनी मर्जी से आए और हमने उन्हें सूचित किया है कि वे अपनी मर्जी से जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी को कानूनी नोटिस दिया है जिसमें एजेंसी पर दिल्ली आबकारी नीति में राज्यसभा सदस्य की कथित संलिप्तता के खिलाफ झूठे दुर्भावनापूर्ण अभियान को लोकप्रिय बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ईडी से 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की है, अन्यथा आपराधिक कार्रवाई का सामना करना होगा। संजय सिंह की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि आपने और आपके सहयोगियों, एजेंट और कर्मचारियों ने मेरे मुवक्किल की सार्वजनिक छवि को धूमिल करने और विकृत करने का प्रयास किया है, अन्यथा किसी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। दिल्ली आबकारी नीति में मेरे मुवक्किल की कथित संलिप्तता के खिलाफ विकृत, झूठा, प्रेरित, जंगली, दुर्भावनापूर्ण, निराधार अभियान है। बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है और हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। संसद की सदस्यता जाने के बाद आज राहुल गांधी ने अपने तुगलक रोड का बंगला खाली कर दिया। बंगला खाली करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये घर जहां वे 19 साल से रह रहे थे देश की जनता ने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा, मैं नहीं रहना चाहता, इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं जिस जगह 19 साल रहा वह मुझसे छीन ली गई। राहुल गांधी ने कहा, सच बोलने के लिए कीमत होती है, मैं कीमत चुका रहा हूं। बंगला खाली करते समय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रहीं। मौके पर प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मेरे भाई जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य है, उन्होंने सरकार के बारे में सच बोला और इसीलिए यह सब हो रहा है, लेकिन वह बहुत साहसी हैं, वह कभी नहीं डरते, वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ईद के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ईद है और राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, किसी का आवागमन प्रभावित नहीं होता, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, शांति है और यह इसलिए है क्योंकि हर कोई जानता है कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है। यह तभी संभव है जब प्रशासन संवेदनशील हो। यूपी के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संवेदनशील प्रशासन ही जनविश्वास का प्रतीक बन सकता है। लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते। लोगों का नाम, जाति, मत, मजहब वगैरह बिना पूछे न्याय मिलना चाहिए। लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम देश के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो वह जनविश्वास का प्रतीक बनेगा। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में किशोरी के कथित बलात्कार
और हत्या को लेकर गुस्से के बीच हिंसा भड़क उठी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को फिर से बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। शांति बनाए रखने के लिए इलाके में और बल तैनात किए गए हैं। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग को लेकर धरना दिया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर शव को निकालने के लिए उन्हें गुस्साई भीड़ द्वारा हिंसा और पथराव का सामना करना पड़ा। वहीं इस मामले पर बीजेपी और तृणमूल के बीच राजनीति तेज हो गई है। राज्य भाजपा प्रमुख और बालूरघाट के सांसद सुकांत मजुमदार ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आरोप लगाया कि पुलिस घटना की जांच करने में असक्षम है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस सबूतों को दबा रही है और कमजोर कर रही थी और पीड़िता के शरीर को इस तरह से घसीटा गया था जो गरिमापूर्ण नहीं था। केरल में भाजपा की इकाई को एक पत्र मिला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जान को खतरा होने का दावा किया गया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा मुख्यालय में 17 अप्रैल को पहुंचे पत्र को केरल पुलिस को सौंप दिया गया। इसे भेजने वाले का नाम एनके जॉनी है। पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने पुलिस को पत्र सौंपा है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में जॉनी ने पत्र भेजने से इनकार किया। बता दें प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को कोच्चि पहुंचकर रोड शो में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद वे युवाओं की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं अब पीएम मोदी के केरल दौरे के खिलाफ भाजपा के राज्य कार्यालय में एक धमकी भरा पत्र मिलने के बाद केरल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने पत्र में उल्लेखित व्यक्ति की पहचान कर ली है, लेकिन उसने किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हुए दावा किया कि उसके विरोधियों द्वारा उसे फंसाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया गया। कोलकाता में ईद के मौके पर अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में मुस्लिम वोटों को बांटने की हिम्मत नहीं है। लोकसभा चुनाव में 1 साल बाकी है, हम देखेंगे कि कौन जीतता है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में दंगे नहीं, शांति चाहते हैं। हम इस देश के टुकड़े नहीं करना चाहते। जो लोग इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उनसे मेरा कहना है कि मैं आज इस ईद पर वादा करती हूं कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन मैं देश को बांटने नहीं दूंगी। कोई बीजेपी से पैसे लेकर यह कहता है कि हम मुस्लिम वोट बांट देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि मुस्लिम वोटों को बांटने की हिम्मत बीजेपी में नहीं है। यह मेरा आज आपसे वादा है। ममता ने आगे कहा कि अगर लोकतंत्र चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। आज संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को शनिवार को फिर से झटका लगा है। भाजपा के दो नेताओं पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल हेब्बल और अरविंद चौहान ने शनिवार को पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार 17 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें बीजेपी के लिए चुनाव से पहले सबसे तगड़ा झटका था। बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद शेट्टार ने रविवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास करता हूं और मुझे बीजेपी को सांप्रदायिक बताने में कोई शर्म नहीं है। शेट्टार के शामिल होने से 2 दिन पहले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों में गहमागहमी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल राज्य में प्रचार अभियान करने में जुटे हैं। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस को हर हाल में 150 सीटें जीतनी होंगी, नहीं तो बीजेपी हमें तोड़ देगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास स्थानीय कार्ड खेलने का विकल्प था, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी राज्य से हैं। वहीं इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्थानीय जुड़ाव का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत की यात्रा कर सकते हैं, जिसकी जानकारी दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक बड़ा साल होने वाला है। बेशक भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका APEC की मेजबानी कर रहा है और जापान G7 की मेजबानी कर रहा है। हमारे बहुत सारे क्वाड सदस्य हैं जो नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं और यह हम सभी को अपने देशों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करता है। हमारे राष्ट्रपति सितंबर में भारत की यात्रा के लिए उत्सुक हैं। G20 लीडर समिट के हिस्से के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। पिछले महीने हुए क्वाड समिट को लेकर भी उन्होंने कहा कि मार्च में डॉक्टर जयशंकर ने सभी 4 विदेश मंत्रियों के साथ रायसीना डायलॉग में एक मंत्री स्तरीय बैठक और असाधारण सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अपने क्वाड समकक्षों की मेजबानी की।
यह क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ इस तरह की पहली सार्वजनिक चर्चा थी और वास्तव में यह बताया कि कैसे हमारे चार देश इंडो पैसिफिक के लोगों का समर्थन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। आज IPL के पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थी। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी और अपने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 135 रन बनाए थे। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 7 विकेट खोकर 128 रन ही बना सकी और गुजरात ने इस मैच को 7 रनों से जीत लिया। IPL के दूसरे मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हैं। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।